गुजरात के राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में शह और मात का खेल चल रहा है। बीजेपी किसी तरह अहमद पटेल को राज्यसभा पहुंचने से रोकने की कोशिश में लगी है, तो कांग्रेस हर कीमत पर अहमद पटेल को राज्यसभा पहुंचाने के लिए दम लगा रही है। चुनाव आयोग द्वारा राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार नोटा का विकल्प दिया गया, तो कांग्रेस को लग रहा है कि ये अहमद पटेल को हराने की चाल है। आयोग के इसी फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कांग्रेस ने चुनाव आयोग की 2014 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प की अनुमति दी गई थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2013 के उस आदेश को आधार बनाया है, जिसमें कहा गया था कि राज्यसभा जैसे अप्रत्यक्ष चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। मंगलवार को कांग्रेस ने संसद में भी इस मुद्दे को उठाया और इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए। विपक्षी नेताओं ने संसद में भी दलील दी कि इससे न सिर्फ नोटा पर वोट देने वाले जनप्रतिनिधियों की अपनी पार्टी की सदस्यता खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि संवैधानिक संकट भी खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा निर्वाचन आयोग को भी इस मामले पर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निर्वाचन आयोग से ये कदम न उठाने की मांग की गई। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।